नमस्कार दोस्तों, योर हेल्थ डॉक्टर में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, अगर किसी भी व्यक्ति को कुत्ता काट ले तो सबसे पहले उसको तुरंत ये घरेलू उपाय देने चाहिए। दोस्तों, कई बार सड़क पर घूम रहे कुत्ते आते जाते लोगों के पीछे पड़ जाते हैं और उन्हें काट लेते हैं। वहीं कई बार पालतू कुत्ते भी घर के किसी सदस्य या मेहमान को काट सकते हैं। ऐसे में आपको मालूम होना चाहिए कि कुत्ते के काटने की स्थिति में सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, उनको क्या फर्स्ट एड देना चाहिए, खुद को या प्रभावित व्यक्ति को क्या देना चाहिए। तो आइए जानते हैं। पहली चीज, जिस जगह कुत्ते ने काटा है उसे पानी की तेज धार से कई बार धोएं, जिससे कि बैक्टीरिया कीटाणु वहां से साफ हो जाए। अगर आपके घर पर एंटीबैक्टीरियल साबुन हो तो उसका प्रयोग जरूर करें। दोस्तों, आप डिटॉल या फिर डिटॉल के साबुन का इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा, इसके बाद अगर घाव से खून बह रहा हो तो उसे रोकना बहुत जरूरी होता है। इसके लिए आप प्रभावित हिस्से पर जोर से दबाएं के रखें। तीसरी बात, कुत्ते के काटने पर सबसे जरूरी बात है कि आप खुद को उसके काटने से होने वाले इन्फेक्शन से बचाएं। इसके लिए प्रभावित हिस्से को साफ करके तुरंत एंटीबायोटिक कोई क्रीम लगा लें, जिससे इन्फेक्शन फैलने की आशंका कम हो जाती है। चौथी चीज, एंटीबायोटिक क्रीम लगाने के बाद प्रभावित हिस्से या घाव को बैंडेड से बांध लें। इससे घाव पर दोबारा इन्फेक्शन होने का खतरा नहीं रहता। दोस्तों, पांचवी बात, ये फर्स्ट एड खुद से करने या देने के बाद जल्द से जल्द किसी डॉक्टर के पास जाएं और उनसे इंजेक्शन लगवाएं। दोस्तों, कुत्ते के काटने पर हम आपको बताना चाहते हैं कि डॉक्टर आजकल 5 इंजेक्शन लगाते हैं। पहले यह इंजेक्शन 14 लगते थे, अब इन इंजेक्शनों को 5 कर दिया गया है। यदि किसी भी व्यक्ति को कुत्ता काट ले तो आप ये फर्स्ट एड देने के बाद तुरंत डॉक्टर के पास जाएं, जितना जल्दी हो सके उनके पास जाएं, क्योंकि कुत्ते के काटने से रेबीज जैसी खतरनाक बीमारी हो सकती है। तो इंजेक्शन व्यक्ति को जरूर लगवाना चाहिए। घरेलू उपाय के साथ ही इंजेक्शन जरूर लगवाएं ताकि भविष्य में कोई भी उनको इन्फेक्शन ना हो। तो हमें उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। यदि आज की जानकारी आपको पसंद आए तो आप इसको अधिक से अधिक लाइक और शेयर करना ना भूलें, और इसी प्रकार की वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करना बिल्कुल मुफ्त है। धन्यवाद।